अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। क्या हाल है भट जी? शुक्र अल्लाह भट साहब आए हुए हैं जी। आज इनकी रवानगी है और हमने फुल शौक इंजॉय किया। आप लोग जो है ना वो मेरे हिसाब से ना यूरोप के अगर कोई मेकर है ना तो आप दोनों के अलावा कोई नहीं है मेकर पूरी यूरोप में। बहुत शुक्रिया। और इतनी शानदार पतंग हमने उड़ाई भी है आदि जजाकल्ला। बहुत जितना मजा इन पतंगों ने दिया है जा भाई एंड है नशा जिले के बाबा जी नशा कसम है बहुत मजा आया। वो तो कल भाभी क्या आला क्या पेच है ना और किस तरह पतंगा फिरिया ने किस तरीके दे नाल जिथे कहंदे ने इशारे ते फिर गए यार बड़ी बात किसने दी गई यार भाई जे ए जनरल पतंग बाजी है वो साडे पतंग बाजी दी बड़ी बात किसने दी गई कि असि जड़ा ना इस तो दूर हो गए। बट जी बस कोशिश करो के दोस्त सारे जड़े ना इस काम ते लगन साडे बरीक डोर छोटी टांग उड़ान सेफ काइट फ्लाइंग करें। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਕਮ ਰਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਉਡਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤੰਗ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बट साहब ये कुर्बानी आप हमसे दिलवाना चाहेंगे उस्ताद मजाक के अलावा क्योंकि वजह वजह की है हां असल पतंग नहीं पता पतंग आ ही नहीं सकती बिल्कुल उन्हें असल पतंग ही नहीं पता ना नहीं पता है ते ऐस पतंग जो उड़ाएंगे ना तो फिर उन्हें पता लगेगा यार पतंग बाजी किन्हों कहते हैं और बरीक और थे मैं कहना मलिक साहब आप क्या कहेंगे या भाई मैं तो ये कहूंगा देखो आप लोग बनाते हो शौकिया अपने शौक के लिए खुद बनाते मेहनत करते इसकी जगह आप बड़ी पतंग भी बनाएंगे ना जरको तो वो भी ऐसी क्वालिटी वाली होगी। इसमें ये नहीं है कि ये उनको बना के दो या इसको बना के दो। बात यह कि आप शौक से अपनी पतंग बनाते हो मेहनत करते हो आपके हाथ बैठ गए तो माशाल्लाह तीली पे हर चीज पे आप मेहनत करते हो। तो बाकी पतंगबाजी के अलावा ये कि यार हम सारे इकट्ठे हुए हैं दोस्त यार हमारा जो हमेशा की तरह आपस में जो प्यार है साल में एक दो वादे हम इकट्ठे गुजारते हैं कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं तो वो इस महीने हम इकट्ठे हुए हफ्ते का पता नहीं चला यार कैसे गुजर गया क्या मजा है यकीन करें डेली गेम की आए हाय हाँ ये मैं जरूर कहूंगा इस पतंगबाजी में जनवन असल में पतंगबाजी है तो हर शो की तरह है ना एंजॉय करनी है अपने आप को रिलैक्स करना है तो हफ्ता पूरा गेम करके अभी भी रिलैक्स ही वो होता है ना जिसमें में दर्द है या ये तो बड़ी पतंग में ये है कि मजा तो उसमें भी बड़ा आता है मगर एक दिन गेम कर लो तो दो दिन जो है ना बस नींद ही खत्म होती यार। तो यही है यार सब दोस्त अपना ऐसे ही शुगर मिला लगाते रहे इंशाल्लाह और एंजॉय करते रहे और हमारा आपस में जो है ना प्यार मोहब्बत इस तरह आमीन जी आमीन और इंशाल्लाह आगे गेम गर्मियों में इंशाल्लाह जाना बस तुसी जड़ा ना जिथे फ्लैट मिले उथे आ जाओ जल्दी ना अच्छी हवा होवे उथे गेम इंशाल्लाह। उस्ताद जी की कहोगे तुसी? जब भी मैं यही कहूंगा यार के हर किसी दा यानी के अपना देखन दा जाविया होता है कोई कहता है मोटी डोर कोई कहता है बड़ी पतंग कोई कहता है छोटी डोर कोई कहता है छोटी पतंग बस मेन चीज यही है कि कोशिश करो सेफ काइट फ्लाइंग करो यानी कि तुसी जिथे भी उड़ा रहे हो ना उस जगह से पूरा ध्यान रखो यार अल्लाह ना करे यदि डोर जी पतंग दे नाल है इहदे नाल किसी नूं नुकसान ना होए भावे इंसान होए भावे जानवर होए क्योंकि यूरोप है इत्थे देखो पाकिस्तान च यानी कि पतंगबाजी की हिस्ट्री हो सकता है 200 साल की होवे लेकिन जदों तो मोटी डोर आई ना ते दो साल नहीं कटे पतंगबाजी ने मोटी डोर केड़ी मोटी डोर सी उस तो 35 नंबर 5 नंबर ही हैगी सी एदे ते हादसे होए सन सारे शुरू हो गए सन ते 2 सालां दे विच ताडा 200 साल पुराना जिहड़े ताडा शौक सी तारीख सी ओह खत्म हो गए ते इत्थे यूरोप हैगे यार इत्थे ते अगले मिंट नहीं लांगे ते मैं नहीं चाहुंदा कि किसी इक बंदे दी गलती दी वजह तों सारे बहुत सारे दोस्तां दा शौक खराब होवे या किसी दा जानी नुकसान या किसी दा माली नुकसान होवे ते इस चीज़ तों बचो ते इंसान नूं सोचना चाहिए यार इन्ना हो सकता है उस्ताद जी इस वीडियो के बाद लोग हमारे पे भी इतराज करें कि हम 25 नंबर से उड़ाते हैं नहीं किस बात पे इतराज करें लेकिन उस्ताद जी ने गल की थी ना कि 25 नंबर उड़ाओ या जो मर्जी तुसी उड़ाओ उड़ाओ सेफ्टी दे नाल सेफ्टी सब तो पहले ही लेकिन बट जी कल तुहानू 8 चेन दिखाई सी वजन था क्या बात है क्या 8 चेन नहीं उड़ सकती इस हवा में उड़ सकती है कैसी बात सी कल शाम नु असि उड़ा सकने सा पक्के बल पेंदे सन ओदे नाल पतंगे एहो जी होनी चाहिए ने बेका उड़ जाएगी
दो नंबर मंगा लो, दो नंबर। अगर अगर देखें जी हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अगर दुनिया कहेगी ना कि आठ नंबर एक गेज, तो ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे यूरोप में भी। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसी तैयार है भाई। ठीक है, तो ये देखो पतंगबाजी तो पाकिस्तान से है ना। हाँ, पाकिस्तान में अब मेरा ख्याल है जो ज्यादा पतंगबाज है वो आ गए ना साढ़ पे, साढ़ चलो पांच पे, मगर डोर तो बारीक काली उन्होंने काली ना सारे कुल। हाँ, तो एंड यही है कि पतंगबाजी जो इसको एंजॉय करने आने वाले टाइम में भी, तो हम सब दोस्तों को मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज की यार। बिल्कुल, बेशक आपस में देखो अभी तो पतंगबाजी इतनी हो गई ना दुनिया में, इतना यानी कि हर बंदे के पास सामान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो किसी को कहो ना जिसके पास सामान पड़ा है कि हाँ जी छोटी पे आ रहे हो, तो कहेगा यार कैसे हो सकता है, मैं छोटी पे आऊंगा दूसरा कैसे आएगा, अपना आपका सामान कैसे रखूंगा। ये कि ये अपने एंजॉय के लिए ना, छोटी पतंग हर बंदे के पास होनी चाहिए, आपस में एंजॉय करो, शायद हो सकता है वो इस तरह चीनिंग आ जाए, उससे अलावा मुश्किल ही है यार। शायद दूसरे लोग समझते हो कि हम बड़ी पतंग नहीं उड़ा सकते या मोटी डोर नहीं उड़ा सकते, उड़ाने को हम उड़ा सकते हैं लेकिन वो चीज है ही नहीं। साथ बैठे हुए आपके सामने, बिल्कुल हर तरह की पतंगबाजी की हुई है, एंड पे इन्होंने यही निकाला है कुलिया, यही आ है इससे आगे कोई पतंगबाजी नहीं यार। यार जिया भाई जी, दो दिन पेज की तरह से बिल्कुल कोरे था ना की तरह, बिल्कुल हाथ वे लो ना ब्रीड हो रही किसी ना, और साफ पतंगा जिड़िया काबू चे गए बिल्कुल, यही अगर मोटी डोर होंगी तो भाई जान फाड़ के बहा देना। हूँ अजकल मैं जेड़ा मर्जी उस्ताद ही करना, बड़े 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 उस्ताद ने माशाल्लाह जी जिंदा है, जेड़ी अजकल दी डोर है ना उन कोरी उन पेज करके फा दे सारा दे। उस्ताद दा ते काम है ना कि जा कोरे थला पेज कर, बिल्कुल सारी जेड़ी अजकल दी डोर है उन कोरी शानदार उन पेज करके बहा दे। नहीं हो सकदा जिस तरह दे जो मर्जी उस्ताद देगा, जो मर्जी कर नहीं कर सकदा, जो नहीं कर सकदा ते फिर चले इंशाल्लाह। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज कहते हैं, भट्ट साहब का भी फ्लाइट का टाइम हो गया, भट्ट साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट वादे में फिर मिलेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका यार। ठीक है उस्ताद जी, सारे सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।